बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। हमारा ये पावर शेप्ड 2019 का पहला ट्यूटोरियल है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज़र इंटरफेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट टैब्स और डिफरेंट मेन्यूज़ को देखेंगे, और इसके साथ साथ हम व्यू टूल बार और इसके अंदर माउस का जो इस्तेमाल है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल में जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फाइल से। फाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन न्यू ओपन, अगर आपने कोई पहले से फाइल बनाई है उसको ओपन करने के लिए आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव सेव एज रिसेंट प्रिंट, क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज़ कर दें। किसी मॉडल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं, एग्ज़िट है, तो ये डिफरेंट आपको फाइल के अंदर ऑप्शंस नज़र आएंगी। यहाँ पर आपके पास हमारे पास जो अंडू और रीडू इसकी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होम टैब है, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्क प्लेन है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वायर फ्रेम है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट वायर फ्रेम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सॉलिड टैब मिलती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सॉलिड्स इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सरफेस है। इसके बाद पावर शेप में असम्बली की फैसिलिटी भी मौजूद है, यहाँ पर हम डिफरेंट टूल्स की मदद से असम्बली भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग की ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें हमारे पास विज़र्ड हैं, जिसके अंदर जो मेन विज़र्ड है वो डाई विज़र्ड है मोल्ड को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास विजुलाइजेशन है, किसी भी पार्ट को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, जिसको हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एनोटेशन है। एनोटेशन में हमारे पास डाइमेंशंस जो हमने वर्क पीस के ऊपर ड्रा करनी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में ऐसा है कि जो हम 3D पार्ट बनाते हैं, उस 3D पार्ट से हम अगर 2D ड्राइंग्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन की मदद से हम 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं फ्रॉम 3D पार्ट। इसके बाद हमारे पास व्यू ऑप्शन है, इसके अंदर आप किसी भी वर्क पीस को डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं इसकी मदद से। तो ये हमारे पास मेन टैब्स थी। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर हमारे पास ये व्यू टूल बार है, ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ये हमारी कमांड बार है, ये हमारी पूरी की पूरी स्टेटस बार है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे वर्क प्लेन जो एक्टिव हो उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, ये हमारे लेवल्स हैं। इन सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल इंशाल्लाह हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। अभी जो कि गेटिंग स्टार्टेड है और यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने आपको बताना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। अब आप माउस के इस्तेमाल को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको ऐसे घुमाकर डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हैं तो आपके माउस का जो सेंटर बटन है आप उसको दबाएं, और उसको दबाकर माउस को ड्रैग करेंगे तो उससे आप इसकी डिफरेंट जो पोजीशंस हैं उससे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद माउस के जो हमारे पास सेंटर बटन है, अगर आप उस व्हील को घुमाते हैं तो उससे आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस मॉडल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे पास जो शिफ्ट की है उसको दबाकर माउस के सेंटर वाला जो बटन है उसको दबाएं, और इसको आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं इजीली। और अगर आप इसको ज़ूम करना चाहते हैं तो ज़ूम करने के लिए आप कंट्रोल दबाएं, और कंट्रोल दबाकर आप सेंटर वाला बटन दबाकर इस माउस को ऊपर करें तो ज़ूम हो जाएगा, और नीचे करते हैं तो ये ज़ूम आउट हो जाता है। तो ये माउस का एक सिंपल सा इसमें इस्तेमाल है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक व्यू क्यूब है, जिसमें हम डिफरेंट एंगल से अपने वर्क पीस को देख सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और अगर आप इसकी होम पोजीशन से देखना चाहते हैं तो इसको होम के ऊपर क्लिक कर दें।
यहाँ पर भी व्यूज़ हैं डिफरेंट। अगर आप व्यू फ्रॉम टॉप से देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, अगर आप व्यू फ्रॉम बॉटम से देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, एक्स नेगेटिव से देखना चाहते हैं तो ये है, एक्स पॉजिटिव से देखना चाहते हैं तो इसी तरह ये वाई भी हमारे पास मौजूद है। तो डिफरेंट व्यूज़ से अगर आप वर्क पीस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू है जिसमें हमें कोई भी वर्क पीस 3 डायमेंशन में नज़र आता है। इसमें आइसोमेट्रिक व्यूज़ भी हमारे पास 4 हैं टोटल। तो अगर आप किसी भी व्यू से आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रीसाइज टू फिट। अगर मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ज़ूम करने के बाद मैं इसको दोबारा से मेन स्क्रीन के ऊपर फिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप यहाँ पे रीसाइज टू फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है जूम टू बॉक्स। अगर आप किसी वर्कपीस के कंपोनेंट के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पावर शेप जो है उस एरिया को हमारे लिए जूम कर देगा इस टूल की मदद से। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास व्यू वायर फ्रेम। अगर हम कंपोनेंट में मौजूद वायर फ्रेम को देखना चाहते हैं या पूरे के पूरे कंपोनेंट को एक वायर फ्रेम की शक्ल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप हिडन वायर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नॉर्मली ज़्यादातर ऑप्शन वायर फ्रेम की ही इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसमें आप डिफरेंट शेड्स देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये शेडेड एंड वायर फ्रेम, कि आप इसमें मौजूद जो शेड हैं उनको भी देख सकते हैं और साथ में इसमें मौजूद वायर फ्रेम को भी देख सकते हैं। इसमें हमारे पास है शेडेड व्यू, इसमें आपको वायर फ्रेम नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास सॉलिड है वो नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपेरेंट शेडेड एंड वायर फ्रेम, तो इसमें आप ट्रांसपेरेंस जैसे शीशे की तरह कोई वर्क पीस नज़र आता है उसको आप इस तरह इसमें देख सकते हैं, शीशे की तरह किसी भी वर्क पीस को, उसके जो आर पार जो कंपोनेंट है उनको भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज़ थे इसमें जिसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम किसी मेश के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट व्यूज़ से और डिफरेंट तरीक़ों से देखने के लिए हम मेश व्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आगे जब हम ट्यूटोरियल्स में मेश के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।